मैं सामिया, आप यहाँ क्या कर रही हैं? काम कर रही थी। मेरा मतलब आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप घर जाएं आराम करें। ऑफिस में होती हूँ तो सिर्फ जिस्मानी थकन होती है, घर जाती हूँ तो दिमाग भी थक जाता है। मैं नहीं चाहती कि मेरा दिमाग थके, इसी वजह से ऑफिस आ जाती हूँ। इतनी जिद अच्छी नहीं होती। ये जिद नहीं, मजबूरी। ठीक है, लेकिन आपका इस तरह ऑफिस आना, काम करना, वो भी इस हालत में, मुझे मुनासिब नहीं लगा। आप मेरी फिक्र मत कीजिए, मुझे तकलीफें उठाने की आदत हो गई। सामने तकलीफें बांट लेने से तकलीफें कम हो जाती हैं। अपनी तकलीफें और बोझ अपना इंसान को खुद उठाना चाहिए, जिंदगी बहुत आसान हो जाती है। ठीक है, आपको किसी भी चीज की जरूरत हो मुझे बताइएगा, मुझे अच्छा लगेगा। प्लीज कैरी ऑन। फरिया, तुम आखिर एक ही बार मुझे जहर क्यों नहीं दे देती? मैं मर जाऊं और ये सारे मसले मेरे साथ कब्र में चले जाएं, ताकि तुम सुकून से अपनी मनमानी कर सको। तुम्हारे जैसी औलाद होने से तो बेहतर था कि मैं बे औलाद होती। और क्या करूं मैं, अपनी मिस्टेक मान तो रही हूं ना। गलती मानने से अब कुछ नहीं होगा। शर्जील ने मुझे वो सारी पिक्चर्स दिखा दी हैं जो उसकी और तुम्हारी हैं। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी तुम इस हद तक गिर जाओगी। मुझे क्या पता था कि वो उन तस्वीरों को मेरे अगेंस्ट यूज करेगा। इतना घटिया आदमी हो सकता है, मैं सोच भी नहीं सकती। मेरे सामने आ गया ना तो उसका गला दबा दूंगी। हाँ, ये ठीक रहेगा, तुम उसका गला दबा दो और खुद जेल चली जाओ। कम से कम मुझे तो थोड़ा सा सुकून मिलेगा। मुझे तो ये नहीं समझ में आ रही कि तुमने मुझे किस बात की सजा दी है। आखिर मेरा क्या कसूर था? मैंने तो हमेशा तुम्हारा साथ दिया और तुमने मुझे इस उम्र में जलील करवा दिया। पहले तुमने असफन से तलाक ली, मैंने कुछ नहीं कहा। फिर यहां आके अरसलान के पीछे पागल हो गई और खुदकुशी करने की कोशिश की, मैंने वो भी बर्दाश्त किया। फिर झूठ बोलकर अरसलान से शादी की और अब ये मिसकैरेज का ड्रामा। क्या क्या गिनवाऊं तुम्हें मैं? आप कुछ मत करें, अब जो करना है वो मैं खुद ही करूं। नहीं फरिया, तुम जो मर्जी कहो, ये जो तुमने शर्जील वाली हरकत की है ना, ये माफी के काबिल नहीं है।